हेलो गाइस, वेलकम टू टेक अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेलेनियम आईडी। सेलेनियम आईडी क्या है? सेलेनियम आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडी जो फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इज एन ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग टूल अंडर द सेलेनियम सुइट। मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था, सेलेनियम सुइट के अंदर सेलेनियम टूल्स हैं और सेलेनियम टूल्स में सेलेनियम आईडी, सेलेनियम वेब ड्राइवर, सेलेनियम आरसी। तो ये जो सेलेनियम आईडी है ये सबसे अलग है। Selenium IDE is primarily a record or run tool that a test case developer uses to develop Selenium test cases. Selenium developers test cases जो लिखते हैं उसी को develop करने के लिए Selenium test को run किया जाता है IDE में। और Selenium IDE is an easy to use tool from the Selenium test suite and can even be used by someone new to developing automated test cases for their web application. कोई नया भी आ रहा है इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी है। गेटिंग स्टार्टेड विद सेलेनियम आईडी रिक्वायर्स नो एडिशनल सेटअप अदर देन इंस्टॉलिंग द एक्सटेंशन ऑन योर ब्राउजर। ब्राउजर में क्रोम और फायरफॉक्स में ये दोनों में ही अवेलेबल है सेलेनियम आईडी। तो दोनों में जो है सिंपली क्या करना है, जो एक्सटेंशन है सेलेनियम आईडी का उसको ऐड करना है, बस हो गया इंस्टॉल। और क्रिएटिंग टेस्ट केसेस ऑन सेलेनियम आईडी डज नॉट रिक्वायर एनी programming language, but when you get to use Selen's commands like run script, a little knowledge prior to JavaScript would prove beneficial for you to understand the concept more clearly. मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर जो है Google Chrome में simply आ जाना है और search करना है जो है Selenium IDE for Chrome। मैं यहाँ पर आ गया हूँ और ये जो page है open हो गया है। जैसे कि इस तरह से दिखाया जाएगा, आप लोग को सेलेनियम आईडी क्लिक करना है और यहाँ पर आके जो है सेलेनियम आईडी एक्सटेंशन को ऐड कर देना है, ऐड टू क्रोम, इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो गाइस, इस तरह से जो है सेलेनियम आईडी को ओपन करने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो है आपका एक्सटेंशन ओपन करना है, सेलेनियम आईडी को क्लिक करना है और इस तरह से जो है विंडो ओपन हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो लिखा है व्हाट वुड यू लाइक टू डू, रिकॉर्ड ए न्यू टेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट। मैं न्यू प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, टेक अकॉर्डिंग जो है मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। और बेस यू आर एल, बिफोर यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग यू मस्ट स्पेसिफाई वैलिड बेस यू आर एल प्रोजेक्ट, योर टेस्ट विल बी स्टार्ट बाय नेविगेटिंग द यू आर एल। तो मैं यहाँ पर जो है अमेजोन की वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ। स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्लिक कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो इसी तरह जो है ये अमेजन जो साइट है https://amazon.com ओपन कर रहा है। और इस तरह से जो ओपन हो गया, मैं आप लोग को इसको मैक्सिमाइज करके दिखा रहा हूँ, ओपन हो गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है टेक अकॉर्डिंग जो मैंने दिया है और वहाँ पर एक बेस यूआरएल में अमेजन साइट दिया था। तो इसी तरह से अमेजन साइट ओपन हो चुका है उसी सेलेनियम आईडी के थ्रू। और मैं यहाँ पर अगर चेक करूँगा, यहाँ पर एक सर्च करता हूँ जो मोबाइल फोन अंडर 30,000, तो एंटर दबाया जो है ये रन हो रहा है। ये जो प्रोसेस में रन हो रहा है या जो कुछ भी मैं अमेजन में कर रहा हूँ, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है सेलेनियम आईडी में। सेलेनियम आईडी ये रिकॉर्ड करने के लिए ही यूज होता है जो कोई भी टेस्ट केस डेवलपर है और ऑटोमेशन टेस्टिंग करता है। और सेलेनियम आईडी का यूज करके वो है जो है साइट का प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इजिली उसको एक टेस्ट केस नाम देख के इस तरह से कैसे मैं सर्च किया और सर्च करने के बाद जो रिजल्ट क्या आया वो एक टेस्ट केस हो सकता है आपका। जो भी मन में आप टेस्ट केसेस ले सकते हो, इसी तरह कर सकते हो। और सेलेनियम आईडी यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो है सेलेनियम आईडी में मैं सर्च किया था मोबाइल, ये तो आ गया है, आप लोग देख सकते हो।
रिजल्ट्स क्या आ रहा है, तो मैं अभी जो सेलेनियम आईडी रिकॉर्डिंग था उसको अप कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है ये जो छोटा सा विंडो है ये सेलेनियम का आईडी का ही विंडो है, इसी में यहाँ पर जो है स्टॉप रिकॉर्डिंग कर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो हम अगर रन करना चाहते हैं उसी टेस्ट केस को, इस तरह से रन टेस्ट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हो ये जो विंडो ओपन होकर आ गया है, यहाँ पर इस तरह से बात कर रहा था, मैं जो रिकॉर्ड कर रहा था मोबाइल फोन अंडर 30,000 इस तरह से हो गया था। और ये जो देख सकते हो कमांड ओपन सेट विंडोज साइज माउस होवर क्लिक टाइप क्लिक टाइप, और यहाँ पर जो सेंड कीज जो है यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पर सिंपली जो है मैं क्लोज नहीं किया हूँ, कट कर दिया था, सो इसलिए यहाँ पर रेड मार्क आ रहा है। इसी तरह से जो है सेलेनियम आईडी को यूज करके आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हो अपना साइट के टेस्ट केसेस को, टेस्ट डेवलपर इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को जो सेलेनियम आईडी कैसे वर्क करता है और किस तरह से यूज करते हैं समझ में आ गया। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस, तब तक के लिए बाय।